हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम ऑयल सीड क्रॉप जो है हमारी नेक्स्ट ऑयल सीड क्रॉप कस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है एक से दो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर मेजर ऑयल सीड क्रॉप हम लगभग पढ़ चुके हैं, अब जो है माइनर बची है जहाँ से एक आध दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कस्टर की। कस्टर जो है ये ऐसी ऑयल सीड क्रॉप है जिसका ऑयल जो है खाने में यूज नहीं किया जाता है। पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि ये जो क्रॉप है कस्टर, इसका जो ऑयल होता है, इसका जो ऑयल होता है वो नॉन ईडेबल होता है। याद रखना, इसका जो ऑयल होता है वो क्या होता है, नॉन ईडेबल। ठीक है, नॉन ईडेबल होता है। ठीक है, इसका जो ऑयल होता है कस्टर का वो नॉन ईडेबल होता है, नॉन ईडेबल होता है। ठीक है, खाने योग्य नहीं होता, खाने योग्य नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑयल है, इसका जो तेल है वो नॉन ईडेबल होता है, खाने योग्य नहीं होता है। पहली चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो ऑयल होता है वो खाने योग्य नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए नहीं करते। तो फिर इसका उपयोग कहाँ होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा हमने लिंसिट में पढ़ा था कि इसका प्रिंटेंट इंक में होता है, वार्निश में होता है, वैसे ही कस्टर्ड का उपयोग भी होता है। किसके अंदर, पेंट के अंदर, वार्निश के अंदर। जो ट्रांसपेरेंट पेपर आप देखते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, ग्लोसी पेपर, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है मेडिसिन में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब जो हमारे पशु हैं, है ना, गाय भैंस और ये, जब अत्यधिक ज्यादा कुछ खा लेते हैं, जिसको अफरा डिजीज बोलते हैं, ज्यादा खा लेते हैं वो, तो उनका क्या, पेट फूल जाता है। तो जनरली गांव में आपने देखा होगा या डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि इसको जो है अरंडी का जो है तेल पिला दो। किसका, कस्टर्ड को, हिंदी में कस्टर्ड को हिंदी में अरंडी बोलते हैं। तो बोले इसको अरंडी का तेल पिला दो। क्यों, क्योंकि अरंडी के जो तेल होता है, कस्टर्ड का तेल होता है, उसमें जो एक क्या होती है, पुरागेटिव कंटेंट होता है। ठीक है, पुरागेटिव जो होता है, ये पुरागेटिव होता है कैटल्स के एनिमल्स से, मतलब इसके अंदर क्या होता है, पेट को साफ करने की जो है क्षमता होती है। इसका जो ऑयल होता है अरंडी का, ये पेट की सफाई कर देता है। ठीक है, मतलब पूरा जो भोजन आपने जो खाया है, पशु ने जो पूरा भोजन खाया है, उसको पूरी तरीके से क्या करेगा, साफ कर देगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा। तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पे कस्टर्ड अरंडी के बारे में, ऑयल इसका नॉन ईडेबल होता है। सेकेंड पॉइंट जो है ये मोनोसियस है, मोनोसियस प्लांट है। अब मोनोसियस प्लांट हमने पढ़ा था कहां, मक्का के अंदर भी। मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो प्लांट है, मेल और फीमेल फ्लावर है वो एक ही प्लांट पर होंगे, मतलब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर, तो द्विलिंगी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, द्विलिंगी बोलते हैं, नाम मोनोसियस है पर हिंदी में इसको द्विलिंगी बोला जाता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर। ठीक है, जैसे ये हमारा प्लांट है तो यहां पर क्या होगा, ये एक जो फ्लावर होगा, ठीक है, ये एक जो फ्लावर होगा, ये एक जो फ्लावर होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, मेल, और एक जो फ्लावर होगा ये फीमेल। ठीक है, ये मेल फ्लावर है आपका और ये हो गया फीमेल फ्लावर। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर हो तो उसको मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, मोनोसियस कहा जाता है, क्लियर है, जैसे मक्का में होता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इसके अंदर, मतलब अब यहां पर थोड़ी सी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम देख लेते हैं इसकी, कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, रिसिनस। क्या होता है बॉटनिकल नेम इसका, रिसिनस कुमोनिस, रिसिनस कुमोनिस इसका जो है बोटनिकल नेम है। ठीक है, रिसिनस कुमोनिस का बोटनिकल नेम है। फैमिली की बात करें इसकी, परिवार क्या है इसका, परिवार होता है यूफोरबियासी। क्या होता है, यूफोरबियासी, यूफोरबियासी इसकी क्या है, फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र संख्या की, तो इसमें 2n इक्वल टू कितने होते हैं, 26 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ओरिजिन की बात करते हैं, इसमें उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। ठीक है, कहाँ है, अफ्रीका जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, अफ्रीका जो है इसका उत्पत्ति स्थान है।
ठीक है। ऑयल कंटेंट की बात करें, इसमें ऑयल परसेंट कितना पाया जाता है, तो लगभग 33 से लेकर 58% आप ले सकते हो, या एवरेज बात करें तो 51% के आसपास इसमें ऑयल कंटेंट पाया जाता है। इस ये जो कस्टर ऑयल है, कस्टर ऑयल के अंदर एक एल्कोलॉइड कंटेंट होता है। क्या होता है? एक इसके अंदर जो होता है एल्कोलॉइड कंटेंट होता है, ठीक है, एल्कोलॉइड कंटेंट होता है जिसका नाम क्या है, रिसिनाइन, ठीक है, रिसिनाइन बोल सकते हो, रिसिनाइन कंटेंट होता है, रिसिनाइन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, एल्कोलॉइड कंटेंट होता है, ठीक है, रिसिनाइन कंटेंट जो होता है एक एल्कोलॉइड कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, एल्कोलॉइड कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, कौन सा, रिसिनाइन, कौन सा कंटेंट, एल्कोलॉइड, ठीक है, एल्कोलॉइड कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, रिसिनाइन, क्लियर है। तो ये बेसिक जानकारी थी क्या, कि इसमें जो है ये जो ऑयल है नॉन एडेबल होता है, ठीक है, मोनोसियस प्लांट होता है, रिसिनस कॉम्युनिस इसका बोटनिकल नेम है, यूफोरबियसिस की फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर इसमें 26 पाए जाते हैं, ओरिजिन इसका जो है वो है अफ्रीका होता है, ठीक है, ऑयल कंटेंट इसमें 33 से 38% तक पाया जाता है, क्लियर है। और यहां पर जो है एल्कोलॉइड कंटेंट रिसिनस होता है, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो ऑयल होता है वो कैसा होता है, पुरोगेटिव कंटेंट होता है, क्या होता है उसमें, पुरोगेटिव कंटेंट होता है, पुरोगेटिव कंटेंट मतलब वो किसके लिए यूजफुल होता है, यूजफुल फॉर केटल, जो एनिमल होते हैं हमारे, पशु होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि ये हाईली डाइजेस्टिव होता है, क्या होता है, हाईली डाइजेस्टिव होता है, इसका कंटेंट जो होता है वो हाईली डाइजेस्टिव होता है, जो केटल के लिए काफी यूजफुल है। अब इसके यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है, ये किया जाता है कहां पर, तो पहला तो इसका यूज किया जाता है पेंट में, फिर ट्रांसपेरेंट पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर, प्रिंटेड इंक बनाने में इसका यूज किया जाता है, सोप मतलब साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स मतलब ग्रीस जो होता है, ग्रीस उसमें लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट का यूज कहां करते हैं बता दूं, लुब्रिकेंट का जो यूज किया जाता है वो इंजिन में, इंजिन को लुब्रिकेंट करने के लिए, एरोप्लेन्स को, जो एरोप्लेन्स हैं हवाई जहाजें उनको लुब्रिकेंट करने के लिए, उनको ग्रीस करने के लिए भी एज ए लुब्रिकेंट का ऑयल, कस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में, लाइटनिंग के लिए बिजली में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इतना इसका यूज है। पेंट बने कलर वगैरह में, ट्रांसपेरेंट पेपर बनाने में जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, ठीक है, उसमें यूज होता है, प्रिंटेडिंग बनाने में, साबुन बनाने में, लुब्रिकेंट ग्रीस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजन और एरोप्लेन्स का जो है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए, मेडिसिन में औषधि के रूप में यूज किया जाता है, और लाइटनिंग बिजनिंग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, और वार्निश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो पेंट वगैरह बनाते हैं ये सब वार्निश के अंदर आता है, ट्रांसपेरेंट पेपर जो है, जो ट्रांसपेरेंट पेपर मतलब कि जो हम आर पार जिसमें देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है। इसकी अब बात करते हैं सीड रेट, किसकी सीड रेट कितनी होती है, सीड रेट की अगर बात करें बीज दर की, तो अगर डिबलिंग मेथड यूज कर रहे हो, कौन सी, डिबलिंग मेथड अगर यूज कर रहे हैं, तो उसमें सीड रेट लगती है 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर, और अगर ड्रिलिंग मेथड यूज कर रहे हो, ड्रिल मतलब सीड ड्रिल, ठीक है, अगर आप सीड ड्रिल मेथड यूज कर रहे हो, सीड ड्रिल से अगर कर रहे हो, तो उसमें सीड रेट लगती है 12 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और अगर हाइब्रिड सीड है, क्या है, हाइब्रिड संकर बीज है, तो आप फिर सीड रेट लगेगी 5 केजी पर हेक्टेयर, क्लियर है। तो ये सीड रेट है, सीड रेट के बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी स्पेसिंग, फसल अंतरण कितना इसमें रखा जाता है, स्पेसिंग फसल अंतरण कितना रखा जाता है, तो फसल अंतरण इसमें रखा जाता है 90 to 120
से लेकर 45 से 60, 92 120 और 45 से 60 इसमें क्या रखा जाता है, फसल अंतरण रखा जाता है। मींस ये हो गया रो टू रो और ये हो गया प्लांट टू प्लांट। और अगर हाइब्रिड आप सीड रेट यूज कर रहे हो, हाइब्रिड अगर लगा रहे हो, संकर किस्म अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको स्पेसिंग रखना है 120 से 90, ये आपकी प्लांट टू प्लांट और ये रो टू रो 120 से 90 रखना है। क्यों? क्योंकि सीड रेट कम हो गई, सीड रेट कम होगी तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है इसकी सीड रेट। दो इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं इसकी, वो याद रखना है आपको। दो इंपॉर्टेंट इसकी क्या है वेराइटीज है, किस्में है दो, वो आपको याद रखना है। सारी किस्में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं वो याद रखना है। एक इसमें गाउच फोर, गाउच फोर एक किस्म है, गाउच फोर ये आपको याद रखना है गाउच फोर। और सेकेंड जो है वो है एनपीएच वन, जिसको अरुणा भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जिसको अरुणा भी बोला जाता है। और ये क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है, फर्स्ट हाइब्रिड, फर्स्ट संकर किस्म है। कौन सी? एनपीएच वन। क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे बात करते हैं इसके इंसेक्ट पेस्ट की, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, कीट और रोग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लेते हैं इसके भी। तो इसमें कीट की बात करें तो इसमें कीट, कीट की अगर बात करें तो इसमें कीट लगता है कौन सा, सेमी लूपर, सेमी लूपर इसमें कीट लगता है। ठीक है, और कैप्सूल बोरर, कैप्सूल बोरर इसमें कीट लगता है। ठीक है, सेमी लूपर और कैप्सूल बोरर। रोग की बात करें इसमें तो रोग लगता है इसमें सीडलिंग ब्लाइट। ठीक है, सीडलिंग ब्लाइट इसके अंदर लगता है। और दूसरा लगता है सीडलिंग ब्लाइट के अलावा इसमें लगता है क्या, अल्टरनेट ब्लाइट इसमें लगता है। क्लियर है? तो जो लास्ट दो हमारी ऑलसीड क्रॉप है, एक सनफ्लावर और साफ्लावर, इन दोनों को एक साथ आज हम खत्म करेंगे। ज्यादा नहीं, इसमें पांच छह पॉइंट दोनों में है, चार पांच पॉइंट इसमें है, चार पांच पॉइंट इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। सनफ्लावर और साफ्लावर दोनों ऑयलसीड क्रॉप है। अब देखो सनफ्लावर की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम क्या है, यहाँ पे एक कोर कॉलम हम बना लेते हैं जहां पर लिखेंगे हम क्या, कैरेक्टर, जैसे बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम इसकी बात करो तो इसका बोटनिकल नेम क्या है, हेलियंथस एनस। बोटनिकल नेम क्या है? हेलियंथस एनस। किसका? सनफ्लावर का। साफ्लावर का बोटनिकल नेम क्या है? कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियम इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली की बात करो, दोनों की फैमिली जो है, फूल जो है सेम है, इसका क्या है, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी या कंपोजिटी, क्या बोलेंगे, एस्टेरेसी या कंपोजिटी। ठीक है, इसकी भी फैमिली सेम है, चाहे एस्टेरेसी बोलो, एस्टेरेसी या कंपोजिटी, एस्टेरेसी बोलो या कंपोजिटी, दोनों की फैमिली सेम है। ठीक है, ओरिजन की बात करते हैं, ओरिजन की बात करें तो जो सनफ्लावर है उसका ओरिजन कहाँ है, तो उसका ओरिजन है मेक्सिको, उसका ओरिजन कहाँ है, मेक्सिको। और साफ्लावर के ओरिजन की बात करें तो साफ्लावर का ओरिजन है इंडिया। ठीक है, कहाँ है साफ्लावर का ओरिजन, इंडिया बोल सकते हो, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान जो है साफ्लावर का ओरिजन है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम नंबर सनफ्लावर में जो क्रोमोसोम नंबर होती है 2n=34, 34 क्रोमोसोम नंबर होते हैं सनफ्लावर में। और जो हमारी साफ्लावर है कुसुम जो है, इसको हिंदी में कुसुम बोलते हैं। ठीक है, कुसुम, कुसुम, और सनफ्लावर को सूरजमुखी बोलते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं, याद रखना। ठीक है, कुसुम के जो पौधा होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं। इंडिया का ओरिजन है, एस्टेरेसी फैमिली से होता है, और कार्थेमस टिंक्टोरियस उसका साइंटिफिक नेम है। ये सूरजमुखी है, हेलियंथस एनस का नाम है, एस्टेरेसी फैमिली से है, मेक्सिको इसका ओरिजन है, 2n=34 इसके क्रोमोसोम नंबर है। इसके फ्रूट को क्या कहा जाता है, इसके फल, फल को क्या कहा जाता है, इसके फल को क्या कहा जाता है, इसके फल को कहा जाता है एकिन, क्या कहा जाता है, एकिन बोला जाता है। और इसके फल को भी क्या कहा जाता है,
एकिन कहा जाता है। ठीक है, इसके इन्फ्लोरेसेंस पुष्प कर्म को क्या कहा जाता है, पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस के, इसके इन्फ्लोरेसेंस को कैपिटुलम, कैपिटुलम कहा जाता है। और इसके इन्फ्लोरेसेंस को भी क्या बोला जाता है, इसके इन्फ्लोरेसेंस को भी सनफ्लावर जो कुसुम है उसका जो पुष्पक्रम होता है वो भी क्या होता है, कैपिटुलम, कैपिटुलम होता है। ठीक है, दोनों में लगभग काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, जो देखा जाए तो बोटनिकल नेम डिफरेंस है, फैमिली सेम है, ओरिजिन मेक्सिको, इसका इंडिया है, ट्विन नंबर जो है क्रोमोसोम नंबर इसके 34 के 20, इसमें फ्रूट टाइप और जो बोलते हैं अपना इन्फ्लोरेसेंस दोनों इसके सेम है। जब ऑयल की बात करें यहाँ पे, ऑयल परसेंटेज कितना होता है सनफ्लावर और सनफ्लावर में, तो सनफ्लावर में ऑयल परसेंटेज आप देखोगे तो 45 to 50% के आसपास इसमें क्या होता है, ऑयल परसेंट होता है। और सनफ्लावर में जो ऑयल कंटेंट की बात करो 27 से लेकर 32% तक इसमें क्या होता है, ऑयल कंटेंट होता है, ऑयल कंटेंट इसमें पाया जाता है। क्लियर, ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे कुछ हो गई इसकी। ठीक है, ऑयल कंटेंट, और इसका जो ऑयल होता है, इसका जो ऑयल होता है इसमें कंटेंट पाया जाता है कौन सा, इसके ऑयल में जो कंटेंट पाया जाता है वो कौन सा है, लिनोलिक, लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड कौन सा हम लोग पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, इसमें लिनोलिक एसिड कितना परसेंट होता है, 68% होता है इसके ऑयल में। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी लिनोलिक एसिड पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है, और ये होता है 78.50% हाईएस्ट अमंग द ऑल ऑयलसीड क्रॉप, याद रखना इसमें क्या होता है, हाईएस्ट अमंग द ऑल ऑयलसीड क्रॉप, जितने भी ऑयलसीड क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे अधिक इसी में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक इसी में पाया जाता है क्या, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड इसी में पाया जाता है। एकमात्र है लिनोलिनिक वाली, वो कौन सी लिनसिड है जिसमें लिनोलिनिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ग्राउंड नट में ओलिक एसिड पाया जाता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिनोलिनिक कंटेंट 68% होता है, यहाँ पर लिनोलिनिक कंटेंट 78% होता है। ये काम क्या करता है, ये गुड फॉर हार्ट पेशेंट, गुड फॉर हार्ट पेशेंट, जो मरीज होते हैं क्या, दिल के मरीज होते हैं उनके लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, जो दिल के मरीज होते हैं, ठीक है, दिल के जो मरीज होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। ठीक है, दिल के मरीज के लिए अच्छा माना जाता है इसका ऑयल। ठीक है, इसका ऑयल दिल के मरीज के लिए अच्छा माना जाता है। नाउ इसके बाद हम बात करें यहाँ पे आगे, और इसके बारे में बात करें आगे, और क्या, इसकी सीड रेट के बारे में बात करें, सीड रेट, सीड रेट के बारे में बात करें, तो इसकी जो, किसकी, सूरजमुखी की जो सीड रेट होती है 8 से 10 kg/hectare होती है। ठीक है, और कुसुम की जो सीड रेट होती है 15 से 20 kg/hectare इसकी सीड रेट होती है। ठीक है, 8 से 10 kg सनफ्लावर सूरजमुखी की जो बीज दर है, और कुसुम जो अपना सनफ्लावर है उसकी बीज दर 15 से 20 kg/hectare होती है। क्लियर है, यहाँ तक की मामला क्लियर है। वेरायटी की बात करें तो इसमें बस याद रखना, इसमें एक वेरायटी होती है मॉडर्न, किस में, सूरजमुखी में मॉडर्न एक वेरायटी होती है, जो कैसी वेरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है, कम अवधि वाली। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है मॉडर्न। और यहाँ पे बात करें कि ये, इसका जो यूज़ कहाँ का किया जाता है, इसका ऑयल, ऑयल का यूज़। ठीक है, जो कुसुम है, सनफ्लावर है, कुसुम का जो ऑयल है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो याद रखना जो हम खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, फूड जो खाना होता है, ठीक है, भोजन होता है, उसमें कलर, कलर और फ्लेवर, कलर और फ्लेवर मतलब रंग और सुगंध, सुगंध के लिए इसका इसके ऑयल का उपयोग किया जाता है, सनफ्लावर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके फूड में मतलब इसको पकाने के साथ साथ किसका, जो अपना कुसुम होता है वो कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्लेवर के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग सेफ्रॉन की जगह किया जाता है, जो सेफ्रॉन होता है, सेफ्रॉन होता है जो केसर होता है, केसर के स्थान पर किसका, कुसुम का उपयोग किया जाता है, याद रखना कुसुम का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर केसर नहीं है तो केसर की जगह आप सेफ्रॉन, मतलब जो सेफ्रॉन है, केसर नहीं है तो केसर की जगह इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इस कुसुम को क्या कहते हैं, बास्टर्ड सेफ्रॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बास्टर्ड सेफ्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये
सेफ्रॉन के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। सेफ्रॉन की जगह इस कुसुम का सा फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बास्टर्ड सेफ्रॉन सेफ्लावर भी कहते हैं, बास्टर्ड सेफ्रॉन भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये सनफ्लावर सनफ्लावर में बेसिक चीज़ें इतनी हैं, इतनी ही आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो है सनफ्लावर में आप देखोगे, सूरजमुखी में आप क्या देखोगे, इसमें एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसको हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। हेलियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। हेलियोट्रोपिज का मतलब होता है कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन अभी यहाँ है, तो ये हमारा सूर्यमुखी का प्लांट है। इसका जो डायरेक्शन होगा फ्लावर का किस तरफ होगा, सन की तरफ। ठीक है, अगर मान लो सन कहाँ आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, बिल्कुल सन यहाँ पे सेंटर में आ गया, तो फ्लावर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सन के बिल्कुल सामने। और अगर सन इस तरफ आ गया, ठीक है, सन जो है बिल्कुल इस तरफ आ गया, तो फ्लावर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। मतलब जिस तरफ सूरज है उसी तरफ जो है कुछ जो सनफ्लावर का प्लांट है, इसका जो फ्लावर है उसी तरफ उसका मुंह रहेगा। सन इस तरफ आएगा तो फ्लावर भी इस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये सन के साथ मूवमेंट करता है। एक एक ऐसा होता है जैसे बरगद, बरगद जो है वो क्या है, जियोट्रोपिज्म पाया जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में ये नीचे क्या है, अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी है, इसमें जो है ये ऐसी जो है शाखाएं निकलती है नीचे की तरफ जो, ठीक है, नीचे की तरफ निकलती है, मतलब ये जमीन की तरफ आती है, इसलिए इसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। बरगद में जो शाखाएं नीचे निकलती हुई आती है, इस प्रोसेस को क्या कहता है, जियोट्रोपिज्म। और सनफ्लावर में ये सन के साथ मूवमेंट करता है तो इसको हेलियोट्रोपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑल शीट यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट हम जो है फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।